हेलो बिच्चो लेट इस रेड दिस क्वेश्चन अ थिंक फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज कनेक्टेड टू टू एंड कैरीज करंट आई इन द्लॉक वाइज डायरेक्शन शोन इन इन द द द फिगर सिस्टम इज पुट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर द वायर टेक द शेप ऑफ सर्कल द टेंशन इन द वायर इज इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फ्लेक्सिबल वायर दी है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है उसको हम लोग ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये फील्ड में रखने के बाद उस वायर पे जो टेंशन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल तो जब भी हमें फोर्स का डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें फ्ट हैंड रूल यूज करते हैं यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड का जो थम्ब है ये फोर्स के डायरेक्शन में पॉइंट करता है हमारा जो आ, इंडेक्स फिंगर जो होता है ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है एंड हमारा जो मिडल फिंगर होता है ये करेंट के डायरेक्शन को बताता है इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो जो फोर्स जो लगेगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो अगर हम लोग एक सर्कल बनाए तो और हम हम लोग अगर यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए है, तो अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में हमारा मिडल फिंगर पॉइंट करें तो हमें पता चलेगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू देज आएगा करंट राइट हैंड डायरेक्शन में आएगा और जो फोर्स है वो अपवर्ड के अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा हम लोग को तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा ये आ, सभी जगह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा तो फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है हमें टेंशन फाइंड आउट करना है तो अगर हम लोग इस वायर का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर लोग छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं यहाँ तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये थीटा होगा और ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये डी थीटा कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में टेंशन प्रेजेंट होगा फोर्स की वजह से तो अगर हम लोग यहाँ पे टेंशन को और ये ऊपर वाले डायरेक्शन में हमारा फोर्स प्रेजेंट होगा तो टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो एक हमारा इस डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में और यहाँ पर भी एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो जो नीचे आएगा कंपोनेंट ये हो जाएगा टी साइन ई थीटा हो जाएगा और यहाँ पर भी टी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे आएगा टी कॉस डी थीटा आएगा यहाँ पर भी टी कॉस टी थीटा हो जाएगा तो यहाँ डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि टी कॉस थीटा टी कॉस टी कॉस डी थीटा टी कॉस डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो जो टोटल जो आएगा यहाँ पे आ, वो होगा टू टी साइन डी थीटा थीटा आएगा फोर्स के इक्वल जो आएगा वो टू टी साइन ई थीटा के इक्वल आएगा अभी अगर हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए जो लेंथ होता है वो तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है यहाँ पे आर रेडियस ऑफ द सर्कल तो यहाँ से आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो एल अपॉन टू पाई के इक्वल हो जाएगा हमें तो पता है कि, आ, अभी हमें मिला कि जो फोर्स है वो टू टी साइन थीटा के इक्वल है और हमारा डी थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है तो जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन डी थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली डी थीटा के इक्वल हो जाएगा और हमें पता है कि जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बी आई एल साइन थीटा के इक्वल होता है जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड होता है आई करंट और एल जो है लेंथ ऑफ दी वायर uh, होगा और साइन थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर तो साइन 90 जो है वो वन हो जाएगा यहाँ पे अभी यहाँ पे एल जो है ये हमारा स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एल हो जाएगा डी हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी आई डी अभी अगर डायग्राम देखें हम लोग तो डी जो है बेसिकली आर्क ऑफ द लेंथ है लेंथ ऑफ द आर्क है तो डीएल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टू आर डी थीटा हो जाएगा रेडियस इन एंगल तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू सब्स करें तो हमें फोर्स मिला था टू डी साइन डी डी थीटा के इक्वल तो यहाँ पे टू डी दी, साइन थीटा स्मॉल है तो ये हो जाएगा टू डी टू टी डी थीटा जो कि इक्वल होगा आई एल की जगह पे टू आर डी थीटा और इंटू बी के इक्वल इंटू बी डी थीटा कैंसिल हो जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से टेंशन जो आएगा वो होगा आई बी डिवाइडेड बाय आई बी आर डिवाइडेड बाय आई बी आर के इक्वल आएगा और हमें हम लोग हमें अभी फाइंड आउट किया है कि आर जो है वो एल अपॉन टू पाई के इक्वल है तो देयरफॉर टेंशन जो हो जाएगा वो आई बी डिवाइडेड बाय आई बी एल डिवाइडेड बाई टू पाई के इक्वल होगा ये हमारा टेंशन हो जाएगा इन दी वायर अगर तो हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई बी एल अपॉन टू पाई आई होप यू लक